ओके। A worker in Mumbai city monthly spends ₹350. The monthly cost of living index number is 136. From the following data, find the expense on clothing and rent. ओके कि हमें यहाँ पे जो डेटा दिया हुआ है उसका यूज करके हमें एक्सपेंस ऑन क्लोथ एंड एक्सपेंस ऑन रेंट फाइंड करना है कि क्लोथ एंड रेंट पे जो वर्कर है मुंबई सिटी के वो कितना एक्सपेंस करते हैं। ओके तो फर्स्ट हमें क्या इंफॉर्मेशन दी हुई कि अ वर्कर इन मुंबई सिटी मंथली स्पेंड्स रुपीज 350। तो उसका मंथली एक्सपेंस दिया हुआ है तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि मंथली एक्सपेंस या फिर आप स्पेंड्स भी लिख सकते हो, मंथली एक्सपेंस 350। ओके देन कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर दिया हुआ है मंथली 136। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर इज 136। ओके सो फर्स्ट हमें ये दो वैल्यू दी हुई है। देन बोला है कि फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, जो हमें नीचे डेटा दिया हुआ है उसका यूज करके हमें फाइंड करना है एक्सपेंस क्लोथ एंड रेंट के लिए। ओके सो फर्स्ट जो भी टेबल है वो ड्रॉ कर देंगे। Then expense, third is index number. Okay, ये तीनों information हमें दी हुई है। Group में है food, then clothing, third is rent, fourth is fuel, and fifth is need. ओके ये फाइव ग्रुप हमें दिए हुए हैं। देन उसका एक्सपेंस दिया हुआ है 140। क्लोट का एक्सपेंस हमें फाइंड करना है, रेंट का एक्सपेंस भी हमें फाइंड करना है, देन फ्यूल का 56 एंड लास्ट में 60। ओके देन उसका इंडेक्स नंबर ऑलरेडी दे दिया है 180, 150, 100, 110 एंड 80। ओके सो हमें एक्सपेंस एंड इंडेक्स नंबर दिया हुआ है। सो एक्सपेंस मींस वो हमारी वैल्यू क्या होगी, एक्सपेंस मींस वो हमें एक्सपेंस को डेनोवेट करते हैं P0Q0, मींस वो हमारी डायरेक्टली वैल्यू हो जाएगी W। इंडेक्स नंबर मींस I। ओके सो इन दोनों का यूज करके हम यहाँ पे IW फाइंड करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर ऑलरेडी दिया हुआ है। या फिर आपको कोई भी एग्जांपल हो, इंडेक्स नंबर एंड वेट दिया हुआ हो, तब हम कौन सी मेथड यूज करेंगे इंडेक्स नंबर फाइंड करने के लिए, फॉर्मूला यूज करेंगे कि सिग्मा आई डब्ल्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा डब्ल्यू। ओके सो इतनी इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है एंड हमें फाइंड करना है कि एक्सपेंस ऑन क्लोथ एक्सपेंस ऑन क्लोथ एंड रेंट का। ओके दोनों का एक्सपेंस हमें फाइंड करना है। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि सपोज जो क्लोथ का एक्सपेंस है उसे हम डेनोइट करेंगे x, एंड जो रेंट का एक्सपेंस है उसे हम डेनोइट कर देंगे y। ओके देन जो भी फॉर्मूला होगी कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर की उसका यूज करें। ओके बाद में सो फर्स्ट
एक्सपेंस की जो वैल्यू है उसका टोटल लेंगे। तो एक्सपेंस का टोटल हमें कितना मिलेगा यहाँ पे, 140, 56, 66, इन तीनों की टोटल वैल्यू फाइंड करेंगे। सो 196 एंड प्लस 63 करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगी 259 प्लस x प्लस 1। ओके, सो ये हमारी टोटल एक्सपेंस हो गई। हमें यहाँ पे मंथली की इंफॉर्मेशन दी हुई है जो टेबल है। सो मंथली एक्सपेंस हमारा हो गया 259 प्लस x प्लस 1। देन इंडेक्स नंबर है, हमें क्या चाहिए, दूसरा आइडल। ओके, सो I एंड W को मल्टीप्लाई करेंगे। सो I, ये हमारी I की वैल्यू एंड ये हमारी W की वैल्यू। सो 180 इंटू 140 को मल्टीप्लाई करें। ओके, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी वैल्यू मिलेगी, 25,000। देन 150 को X से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150X। देन 100 को Y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 101। एंड 110 को 56 से मल्टीप्लाई, तो 110 इंटू 56 सो 6160। देन 63 को 80 से मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट में, 63 इंटू 80 सो हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू मिलेगी 5040। ओके, सो ये हमें आई डब्ल्यू की वैल्यू मिली। देन हमें आई डब्ल्यू की टोटल वैल्यू चाहिए। ओके, सो उसकी टोटल वैल्यू फाइंड करेंगे। फर्स्ट जो हमारे पास ये है 25,200, 6160, 5040, इन तीनों का टोटल करेंगे। ओके, सो यहाँ पे इसका टोटल हमें क्या मिलेगा, 36,400। देन प्लस जो एक्स एंड वाई की वैल्यू है वो लिख देंगे कि 150x प्लस 100y, सो 150x प्लस 100y इसे हम, तो ये जो हमें वैल्यू मिली वो हमारी वैल्यू है सिग्मा आई डब्ल्यू, सो आई डब्ल्यू की टोटल वैल्यू, एंड ये हमें मिली W की टोटल वैल्यू। ओके, सो फर्स्ट ये जो दो इन्फॉर्मेशन दी हुई है नाउ इसका यूज़ करना। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या दी हुई है कि मंथली एक्सपेंस इज ₹350। ओके, मंथली एक्सपेंस हमें दिया हुआ है 350। तो यहाँ पे जब हमारे पास जो दो एक्सपेंस नहीं है क्लोथ एंड रेंट का, तो उसे x एंड y से डेनोट किया, तो उसका एक्सपेंस क्या मिला टोटल, हमने यहाँ पे किया तो 259 प्लस x एंड y। ओके, सो ये हमारा मंथली एक्सपेंस हुआ जो हमें ऑलरेडी दिया हुआ है। ओके, मंथली एक्सपेंस हमें दिया हुआ है कितना, 350। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मंथली एक्सपेंस इज इक्वल, ये हमारी जो W की टोटल वैल्यू है वो, तो सिग्मा W। ओके, तो मंथली एक्सपेंस हमें ऑलरेडी कितना दिया हुआ है, 350। तो हम लिखेंगे देयरफॉर 350 इज इक्वल टू सिग्मा डब्ल्यू की टोटल वैल्यू कितनी आई, टोटल एक्सपेंस हमें मंथली का मिला 259 प्लस एक्स प्लस। ओके, सो अगर हम 259 को इस साइड लेके जाएंगे तो उसकी साइन चेंज होगी, राइट? तो साइन चेंज होगी, इस साइड लेके जाएंगे, यहाँ पे प्लस है तो कौन सी साइन हो जाएगी, माइनस। 350 माइनस 259 इज इक्वल टू एक्स प्लस। ओके, सो 350 में से 259 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमें वैल्यू मिलेगी कि 91 इज इक्वल टू एक्स प्लस। ओके, एक्स प्लस वाई की जगह पे आप एक्स वन या फिर एक्स टू का भी यूज कर सकते हो वैल्यू। ओके, सो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। देन ये जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन थी उसका यूज किया। नाउ अब सेकंड इंफॉर्मेशन जो है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, उसका यूज करेंगे। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू क्या है, 136। ओके, सो इसकी जो फॉर्मूला है वो पुट करेंगे तो हमें सेकंड इक्वेशन मिलेगा, ठीक है? सो यहाँ पे लिखेंगे दैट नाउ कॉस्ट ऑफ
living in their planet is equal to sigma I W divided by sigma W. Okay, so therefore cost of living in that number हमें already कितना दिया हुआ था 126. Then sigma I W, so I W की total value वो हमें कितनी मिली? 36,400 plus 150x plus 100y. Okay, so ये हमारी sigma I W की total value है, so वो लिख देंगे यहाँ पे कि 36,400 then plus 150x plus 101 then divided by sigma W, so W की total value वो हमें यहाँ पे हमने total किया तो ये मिली 259 plus x plus W, but actual उसका monthly expense क्या है 350, right? W की टोटल वैल्यू ऑलरेडी है 350 जो हमें मंथली एक्सपेंस दिया है वो, तो वो ही हम ले लेंगे कि सिग्मा W इज 310. ओके, सो नाउ इसका यूज करके हम सेकंड इक्वेशन फाइंड करेंगे. 350 को इस साइड लेके जाएंगे, सो 136 × 350 इज इक्वल टू 36,400 + 150x प्लस 100. ओके, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगी 47,600 इज इक्वल टू 36,400 देन प्लस 150x प्लस 101. ओके, नाउ हमें इक्वेशन चाहिए, सो हम क्या करेंगे, 36,400 है उसे इस साइड लेके जाएंगे, तो ये यहाँ पे पॉजिटिव है, साइड चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगी, नेगेटिव है, राइट? तो यहाँ पे कि 47,600 माइनस 36,400 इज इक्वल टू 150x प्लस 101. माइनस करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 11,200 is equal to 150x plus 101. Okay, so ये हमें मिला equation number 2. Okay, so ये हमारा second equation है. तो उसके पहले जो भी first equation था वो लिख लेते हैं कि 91 is equal to x plus y. So यहाँ पे वो लिखेंगे कि first equation is 91 x plus y. Then second equation हमें क्या मिला? 11,200 is equal to 150x plus 101. तो बोलेंगे 11,200 is equal to 150x plus 101. Okay? Now equation को solve करना. तो solve करने के लिए क्या तो का तो हमें x की value same चाहिए या y की, right? So हम क्या करेंगे? X या y दोनों में से किसी एक की value same चाहिए. ओके, सो यहाँ पे x एंड y ओनली है. सपोज हम x को सेम करेंगे तो जो फर्स्ट इक्वेशन है उसे किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 150 से, या फिर y की वैल्यू इक्वल करना चाहेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 100 से. ओके, x की वैल्यू सेम करेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन है उसे 150 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड इक्वेशन को ओनली 1 से, क्योंकि 150 हमारे पास ऑलरेडी है. तो 91 × 150 करें तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे 91 × 150 करेंगे तो 13,650 इज इक्वल टू 150x प्लस 150. देन जो सेकंड इक्वेशन है वो एज इट इज लिखेंगे. ना इसे सॉल्व करना है, तो सॉल्व कैसे करेंगे कि जहाँ पे सेकंड इक्वेशन है जहाँ पे प्लस साइन है वहाँ पे माइनस करेंगे, माइनस है वहाँ पे प्लस, राइट? अगर इक्वेशन को सॉल्व करना है तो यहाँ पे माइनस साइन कर लिख लेंगे, यहाँ पे माइनस, प्लस है सो यहाँ पे भी प्लस है सो माइनस. ओके, सो 13
11,650 माइनस 11,200, तो इसे माइनस करेंगे तो 2,450 इक्वल टू, ये पूरी कैंसिल हो जाएगी एक्स की टर्म, एंड सेकंड टर्म हमारी क्या है कि 150y माइनस 100y, तो यहाँ पे हमारे पास रहेगा 50। ओके, y की वैल्यू मिलेगी 50 को इस साइड लेके जाएंगे तो 50y के साथ मल्टीप्लाई में है, साइड चेंज करेंगे तो डिवाइडेड में जाएगा, तो 2,450 डिवाइडेड बाई 50 इज इक्वल टू y, सो इसे सॉल्व करेंगे सो 4 एंड ओके सो 49 इज इक्वल टू y, ये हमें मिली y की वैल्यू। ओके, देन नेक्स्ट जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन है उसमें y की वैल्यू पुट करके x की वैल्यू फाइंड करेंगे, सो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, कोई भी इक्वेशन में वैल्यू पुट कर सकते हो। फर्स्ट इक्वेशन क्या था कि 91 इज इक्वल टू x प्लस y, तो y की वैल्यू 49 पुट करेंगे कि 91 इज इक्वल टू x प्लस 49, y इज इक्वल टू 49 पुट करेंगे, नाउ 49 को इस साइड लेके जाएंगे सो 91 माइनस 49 इज इक्वल टू x, सो 91 से में से 49 को माइनस करेंगे सो 42 इज इक्वल टू x। ओके, सो ये हमें वैल्यू मिली x एंड y की। ओके, सो हमने x इज इक्वल टू कौन से आइटम ली थी कि x के लिए हमने लिया था, कौन से आइटम को डेनोट किया था x को, क्लोथ को डेनोट किया था x से एंड रेंट को y से। ओके, सो जो हमें x की वैल्यू मिली वो हमारा एक्सपेंस होगा क्लोथ का, एंड जो भी हमें y की वैल्यू मिली वो हमारा एक्चुअल एक्सपेंस होगा रेंट का। ओके, सो वो हम देख लेते हैं कि रेंट एंड क्लोथ का हमें एक्सपेंस कितना मिला। फर्स्ट हमने पोर्ट के क्लोट के लिए x को डेनोट किया था, सो यहाँ पे लिखेंगे सो एक्सपेंस ऑन क्लोट, क्लोट को हमने x से डेनोट किया सो x इज इक्वल टू 42 rupees, एंड एक्सपेंस ऑन रेंट, सो रेंट को हमने y से डेनोट किया, y की वैल्यू हमें कितनी मिली 49। ओके, सो ये हमारा क्लोथ एंड रेंट का एक्सपेंस जो है वो हमें मिला कि 42 एंड 49। सो इस तरह हम ये जो एग्जांपल है वो सॉल्व कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे डाउट है आप लोगों का? ये जो सम है उसमें किसी को डाउट है? ओके, तो बाई चांस इस टाइप का सम आपको पूछे तो आपको सॉल्व करना आना चाहिए। ओके, सो यहाँ पे हमारा ये जो थर्ड यूनिट है वो कंप्लीट होता है। सो इस यूनिट में इसके अलावा आपको कोई भी डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो। देन आपको असाइनमेंट में क्या करना है, आपको ऑलरेडी पूनम मैम ने बताया है ना क्या करना है।